ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद गुरुवार को शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो टूक संदेश दिया कि मंत्रियों को जनता के प्रति जवाबदेह होना होगा। सीएम शिवराज सिंह ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के कामकाज को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अब हर विभाग का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, मंत्रियों को हर महीने अपने विभाग की प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। वहीं अब प्रत्येक सोमवार को सभी मंत्री अपने अपने विभाग की बैठक कर समीक्षा करेंगे। मंत्रियों से लेकर विभागों के कामकाज की जानकारी डैशबोर्ड पर जुटाई जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों के बाद शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 2023 का विजन मंत्रियों के सामने रख दिया। सीएम ने कहा कि मंत्रियों को अब पूरी मुस्तैदी के साथ काम करना होगा। शिवराज ने मंत्रियों को केंद्र की योजनाओं में अमल को लेकर प्रदेश को एक नंबर बनाने की दिशा में काम करने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने साफ कर दिया है कि अब हर विभाग की रेटिंग तय होगी और मंत्रियों के कामकाज के आधार पर उनका भी आकलन होगा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि मंत्री आराम से न बैठें, अब एक मिनट का समय भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। सरकार बहुमत में आने के बाद जिम्मेदारी भी बड़ी है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की ड्रेस बनाने का काम केवल स्वयं सहायता समूहों को ही दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इंदौर, ग्वालियर और रीवा की सरकारी प्रेस बंद करने का निर्णय लिया गया। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस बंद कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा। इस दौरान राजस्व विभाग ने बताया इन तीनों प्रेस में 1286 कर्मचारी हैं, इनमें से 67 कर्मचारियों को दूसरे विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाएगा। इसी तरह 495 पद कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद सरेंडर हो जाएंगे। इसके अलावा 185 कर्मचारियों को भोपाल की प्रेस में पदस्थ किया जाएगा। बैठक के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नर्सिंग मान्यता नियमों में संशोधन के बारे में बताया कि नर्सिंग के नाम पर जो धोखा दे रहे थे और दुकानें खोलकर बैठे थे, अब उन पर शिकंजा कसा जाएगा। अब ऐसी संस्था हर साल पाठ्यक्रम अन्य जिलों या राज्य में पढ़ाना नहीं बता सकेंगे। पेरेंट हॉस्पिटल एक स्कूल के लिए होगा, नई संस्था के संचालक के लिए स्वयं का हॉस्पिटल अनिवार्य होगा। इसके लिए सरकार को प्रमाण पत्र भी देना होगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, मध्य प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।